ओनर तू कैसे भूतनी के देऊंगा चाटा गुद्दी पे भूतनी के, तू डन है ना, तो एक काम करो आप गाड़ी को अंदर लेके जाओ एरिया में, चलो लेट्स गो गाइस। आप देख सकते हो मैंने इसे बोल दिया गाड़ी को अंदर ले जाएगा, फिर मेरी गाड़ी वो सोएगी भाई। पर यहाँ इतनी सारी केले वाली गाड़ी क्यों खड़ी है भाई? मैंने जब भी तो ये ट्रक ऊपर लोड गाड़ी जब भी लोड करके दिया, गंदी ना हो जाए, अंडरवाटर माफिया ऐसी गंदी गाड़ी लेगा तो तुम्हारी कच्ची निकाल देगा जो कि तुमने यहाँ हरी हरी पहन रखी। भाई ये पिज्जा लेने जा रहा है, क्या बंदा है, अंडरवाटर माफिया ने पिज्जा भी मंगवाया क्या? ये लो, ये लो बेटा, ये लो, मेरे से पंगे लोगे तुम। देख सकते हो गाइस जिमी को फाइनली मैंने रेस्क्यू कर लिया है, यहाँ से गोद में उठा लिया है। जिमी तेरा पप्पा तेरे को बचा के रहेगा, लेट्स गो। ओह नो, तो जिमी को मैंने एस्केप करा दिया, पीछे अंडरवाटर माफिया आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो बेटे इतनी आसानी से तो नहीं पकड़ पाएगा। बेटा मेरा नाम भी माइकल डिसेंटा, माइकल दी डिसेंटा बोल। हे गाइस स्वागत आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। फाइनली वो दिन आ चुका है जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था। कौन सा दिन? हमने आप देख ही सकते हो पिछली वीडियो में अंडरवाटर माफिया के लिए लैम्बोर्गिनी बिल्कुल रेडी करवा दी थी, आप पीछे देख ही सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अच्छी तरह, लेकिन थोड़ी थोड़ी यार सुबह सुबह भूख लग रही है। अमांडा गई हुई अपनी सहेलियों के साथ, पिंकी गैंग के साथ जो कि उसका पूरा ग्रुप है गाइस, तो मेरे को भूख लग रही थी। मेरे कमरे पर ये डोनट डोनट पड़ा था तो मैं यही खा रहा हूँ। और देखो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे पास मैसेज आ चुका है अंडरवाटर माफिया ने मुझे लोकेशन भेज दी कि कहाँ पर बंदा आएगा गाड़ी लेने के लिए। ठीक है, उसने खुद बात नहीं करी, सीधा लोकेशन भेजी मुझे, तो मैं टोटली रेडी हूँ। और मेरे पास एक प्लान है गाइस, ठीक है, प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो देखो मैं जाऊंगा इस गाड़ी को लेकर, जहाँ कल मैंने ये गाड़ी ठीक करवाई है ना, वहाँ पे इसको ठीक करवाऊंगा, बिल्कुल साफ सुफ करवा के और ट्रक में लोड करवा दूँ और फिर बंदे को दे दूंगा। और उसके बाद मैं उस ट्रक का पीछा करने वाला हूँ दोस्तों। वो ट्रक कहाँ जाने वाला है, कैसे क्या क्या सीन होने वाला है, वो चुपके चुपके जाऊँगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ट्रक वहीं जाएगा जहाँ उन्होंने जिमी को रखा हुआ है, और फिर क्या मौका देखती मैं जिमी को अपने साथ फरार करके लेके आ जाऊँगा। तो गाइज ये है मेरी स्ट्रैटेजी, अब देखते क्या होगा क्या नहीं। ओके खा पी मैंने लिया ही है, उससे ना फ्री में साफ करवाऊंगा भाई, फ्री में कर ही देगा वैसे तो मुझे। ठीक है भाई, ये देख सकते हो बाकी कितनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि आपको तो पता ही है। देखो दोस्तों कल मैं ये गाड़ी लेके आया और मैंने रात को भी चलाई, तो भाई ये देखो कितनी मस्त सी लग रही है बाकी गाड़ी। ये देखो काला काला जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। छत पे भी मिट्टी हो चुकी है, पीछे भी मिट्टी हो चुकी है, और यहाँ देखो भाई ये भैंस की सैक। ये ट्रक की साइड में चला रहा था मैं, मेरे को लग रहा है ट्रक का काला धुआं लग गया है, भूतनी के ट्रक वाला की सासू की जय कर दूँ। पर छोड़ो यार क्या ही लड़ना, तो चलो गाइस बिना किसी देरी के चलते हैं उस दुकान वाले के पास। आप गाड़ी के लुक देखो, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ। ये लो, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, लैम्बोर्गिनी अपना जादू दिखा, देख सकते हो गाइस कैसे इसके पीछे की लाइट ये घूम रही है। ये सब आपने नहीं देखा तो देखना कल की वीडियो में, जिसमें आपको दिखेगा इसका नाइट लुक भी, जिसमें ये बहुत ही प्यारी लगती है गाइस, है नहीं? एक नंबर की गाड़ी है, तगड़ी गाड़ी है कैसे मैं आप लोगों को बता दूं गाइस ये। चलो लेट्स गो, तो लेके चलते हैं। और भाई जो भक्ति है ये नेक्स्ट लेवल है, इसका एग्जॉस्ट देखो, ये देख लो गाइस बहुत तगड़ा एग्जॉस्ट है इसका। उलझा रे, अरे ये द्वार, ये भैंस की ग्रीस लगवानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है गाइस, ये गेट में पता नहीं क्या दिक्कत आ चुकी है। अब देखो भाई काश की वो ट्रक वाला उसी लोकेशन में लेके जाए भाई ट्रक, मतलब जो बंदा आएगा गाड़ी लेने के लिए उसी लोकेशन पे जाए जहाँ पे जिमी को किडनैप करके रखा है। तो फाइनली गाइस आज हम जिमी को रेस्क्यू कर ही लेंगे किसी भी हालात में, इसीलिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बस हाँ मुझे एक दो चीज़ें लेनी है जो कि मैं लूँगा ही, मेरे को लेना है जैसे कि मैं आपको बता दूँ गाइस, गन्स लेनी है, गन्स के साथ साथ मुझे आर्मर वगैरह भी लेने, क्या पता भाई वहाँ पर मेरे को लड़ाई करनी पड़ जाए, क्योंकि अंडरवाटर के एरिया, अंडरवाटर माफिया के एरिया में जा रहा हूँ तो भाई वहाँ लड़ाई करनी बनती ही है, क्योंकि वो बंदे ऐसा तो है नहीं वो बिना बंदों के बैठा हुआ, वो चच्चा चौधरी बहुत बदमाश है, वो बॉडी बिल्डर था, मेरे को तो लग रहा है वैसे बॉडी भी उसने चूरन खा के बनाई है गाइस। पर चलो कोई नहीं, जो भी सच है उसके बारे में तो क्या ही बोलना, पर लगता है मुझे सच बताऊँ तो चूरन खा के उसने बॉडी बनाई है दोस्तों। पर चलो राज तो वही जाने, क्योंकि भाई ऐसी बॉडी बने थोड़ी बिना चूरन के। पर चलो अब बात कुछ ऐसी है, अंडरवाटर माफिया बहुत ही खतरनाक बंदा है, तो देखो हमें उससे एक आप कह सकते हो आगे ही रहना पड़ेगा, एक पैर आगे रहेंगे हम उससे, जिससे ये होगा कि उसकी चाल हम पहले ही समझ जाएंगे कि वो करने के वाला है क्या नहीं। उस पर इतना तो उसको नहीं लगता कि मैं ये काम करूँगा, क्योंकि देखो पिछली बार उसने मुझे धमका दिया था जिमी को मेरे सामने पीट के वीडियो कॉल पे, तो उसको लग रहा है कि मैं अब कोई हरकतें नहीं करूँगा, पर हरकतें मैं करूँगा। जिमी को बचाने का एक ये ऑप्शन है, तो भाई रिस्क ले लेंगे, देखते क्या हुआ क्या नहीं गाइस। और फाइनली मैं बातें करते करते आप देख सकते हो इस दुकान में पहुँच चुका हूँ। ओके ये केला कार्स क्या कर रही है इतनी सारी, ये क्या सीन है? अरे भाई साहब क्या लिखा है इसमें, बैट यू कांट हिट मी क्वाइट अ क्वार्टर, भाई साहब मेरे से मत भिड़ लिए, सब छाती में दो देऊंगा भूतनी का। तो चलो गाइस अंदर बंदे से मिलते हैं, एक बार ओनर से मैं बात कर लूँ कि ऐसा ऐसा सीन है भाई, इस गाड़ी को साफ करवानी है। वो अंदर तो पूरा क्लीन है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना गाइस, इन्होंने पूरा साफ सूफ कर रखा है।
पर अंदर बंदे बंदे हैं नहीं, कहाँ गए? अरे वो ओनर भाई साहब भी ना मिल रहा मेरे को, कहाँ गया है? अरे सर जी, अरे भाई आप हो कौन ये तो बताओ। ओनर तू कैसे भूतनी के देंगे चाटा गुद्दी पे? भूतनी के तू ओनर है ही नहीं, दूसरा बंदा ओनर है। अच्छा ऐसी बात है तो ओ हो, आई एम सो सॉरी ब्रदर। तो गाइस ये बोल रहा है कि जो ओनर है ना ये उसका छोटा भाई है, तो ये भी ओनर ही हुआ। देखो देखो देखो, अब मेरे पीछे आओ सर जी, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने गलत समझ लिया। मैंने ना कल यहाँ पे लैम्बोर्गिनी रिस्टोरेशन और मॉडिफिकेशन करवाई और वो थोड़ी सी गंदी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये वाली लैम्बोर्गिनी है ना, आप तो इसे पहले पूरी तगड़ी तरह मस्त तरीके से साफ कर दो, ठीक है? तो इसको अंदर खड़ी करवा दो आप, इसको मस्त चिकनी चमेली बना दो, ठीक है? हो जाएगा काम? ये बताओ मेरे को, और मेरे को काम चाहिए, मना तो मैं सुनता ही नहीं। देखो भाई आपका भाई बढ़िया, आप भी बढ़िया काम करके दे दो, ऐसा पोज मत बनाओ, ये काम जरूरी है। और सुनो सुनो सुनो, एक ट्रक का और जुगाड़ करवा दो। चलो ट्रक का जुगाड़ मैं ही करवा देता हूँ गाइस, ठीक है? मैं फोन करता हूँ, ट्रक का जुगाड़ मैं करवाता हूँ, ट्रक यहाँ पे लोकेशन पे आ जाएगा और ट्रक के ऊपर फिर ये गाड़ी भी लोड करनी है सर जी, ठीक है? फिर ये गाड़ी जाएगी आगे, ये काम है गाइस, ठीक है? क्योंकि इस गाड़ी को मैं यूँ चला के तो भिजवाऊंगा नहीं, फिर ये गंदी गुंदी सी हो जाएगी। डन है ना? तो एक काम करो आप गाड़ी को अंदर लेके जाओ एरिया में। चलो लेट्स गो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इसे बोल दिया ये गाड़ी को अंदर ले जाएगा, फिर मेरी गाड़ी वॉश होएगी भाई। पर यहाँ इतनी सारी केले वाली गाड़ी क्यों खड़ी है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही भाई, ये केला कार का सिस्टम क्या है? ओके चलो भाई, देख सकते हो गाइस ये मेरी गाड़ी अंदर ले गए, वॉशिंग यहाँ पे होएगी हमारी गाड़ी की। अरे भैंस की टैच, अरे ये देखो भाई ये क्या सीन चल रहा है, ओनर को ही बेल दिया भाई वर्कर ने, लगा पैसा नहीं देता था भूतनी का। पर बड़ा भाई से तो सब डरते थे, छोटे भाई से कोई भी नहीं डरता, तो भैंस के छोटे भाई ने भी धर दिया भाई। ये देखो ये क्या सीन हो रहा है, मुझे तो ये सीन समझ नहीं आ रहा भाई, मेरे को लग रहा। अरे मैं असले नहीं लाया, असले भी तो लेने मुझे। अरे सर जी मेरे क्यों मार रहे हो भाई, तुम तो बड़े गंदे हो, तुम्हारा बढ़िया बड़ा भाई बढ़िया था यार। अरे कर भाई लड़ाई लुड़ी बाद में, मेरी गाड़ी ले जाओ प्लीज अंदर यार, इसकी वॉशिंग कर दो। देख रहे हो पूरी चमेली बना देना इसको ना, हेड एंड शोल्डर शैम्पू से धो दो, हेड एंड शोल्डर से, ठीक है? इसको तो मैं देख लूंगा, भूतनी का जो उठ रहा है। लेट्स गो, तो गाइस देख सकते हो इन्होंने मेरी गाड़ी अंदर लगा दी है और मस्त हेड एंड शोल्डर शैम्पू से धो देंगे, मस्त चिकनी चमेली बना देना सर जी। और सुनो 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 सुनो, अगर कुछ भी अभी दिक्कत लगे ना तो वो भी कर देना। हाँ पर इसकी एक हेडलाइट का ना थोड़ा ऊपर जा रहा है, उसको भी सेट कर देना, ये नीचे इसको ना नीचे कर दो थोड़ा सा, ये सब आप देख लेना। मैं ना थोड़ी देर में आता हूँ, पर लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ से निकलने के लिए भी तो गाड़ी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया गाइस मुझे गन्स लेनी है और भी चीज़ें लेनी है, और ये वाली गाड़ी मैं चलाऊंगा नहीं क्योंकि ये गाड़ी सीधा ट्रक में लोड होकर जाएगी। मैं इनसे गाड़ी मांग लेता हूँ ना कोई सी। अरे सर जी मैं आपकी एक केले वाली कार ले जाऊँ, ये तो बता दो मुझे। अरे भैंस की टैट, ओ भैंस तू, अरे इतनी जल्दी चमका भी थी। तो गाइस आप देख सकते हो उन्होंने मेरी गाड़ी चमका, अरे भैंस की टाइटल लैम्बोर्गिनी है चचा चौधरी है, और कोई गाड़ी नहीं है। बस बस उधर जा, अरे देनी है मुझे अंडरवाटर माफिया को, पता चला ना ये हरकतें हो रही है उसकी गाड़ी के साथ, तो तेन सोनी है नहीं बेख बेख के बिल्लो मेरी कार नच दी। सुनो मेरे को एक गाड़ी चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे एक काम से जाना है, प्लीज कोई सी गाड़ी दिखा दो मुझे। देखते गाइस कौन सी गाड़ी बोलेगा मुझे ले जाने के लिए, कौन सी नहीं। अरे भाई कहाँ ले जा रहा है? अच्छा उस साइड शोरूम से गाड़ी देखा, भैंस की टाइटल छोटा भाई तो और बड़ी आदमी है। अरे केले गाड़ी, अरे कर कर रहा है भाई। अरे 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 नहीं भाई, किसी की चोरी चोरी वाली गाड़ी नहीं चाहिए मुझे, ऐसी दो भाई पुलिस पकड़ ले वो गलत हो जाएगा ना, अपनी खुद की दे दो, कोई भी दे दो, बेशक खच्चर गाड़ी हो, तगड़ी सी गाड़ी दो पर मुझे। अच्छा ये केला गाड़ी ले जाऊँ आपकी, अरे भैंस की डैट ये देख रहे हो गाइस केले गाड़ी, एक बार मैं चला के देखता हूँ फिर भी गाइस। लेट्स गो, बैठ के तो देखूँ ये केला गाड़ी है कैसी, पर इन्होंने लोक लगा रखा मेरे ख्याल से गाइस केला गाड़ी में। ओके भाई साहब सौदा तो तगड़ा, वैसे देखना गाइस ये केले गाड़ी इनसे अनलॉक करवाऊंगा, केला गाड़ी बोलता हूँ कि भाई मेरा केला गाड़ी चलाने का मन कर रहा है, पर चलो बाद में देखें। ओ भाई ये गाड़ी ले आया, ओके सर जी दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। तो फिलहाल गाइस मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ सर जी, यहाँ पे ट्रक आएगा उसमें गाड़ी लोड करवा देना बस, ठीक है? ओके तो हो गया अपना काम ये भी गाइस। और अब मैं आपको बता दूँ मैं जा रहा हूँ अपने लिए गन्स और आर्मर लेने के लिए, ठीक है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया मैं करूँगा गाड़ी का पीछा और मेरे पे हमला ना हो जाए, चलो हमला हो भी गया तो कम से कम मैं बच तो पाऊँ, इसीलिए गाइस मुझे थोड़ा सा भाई चौकन्ना रहना ही पड़ेगा और एक कदम आगे जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर वाटर माफिया से जब भी कुछ हो पाएगा दोस्तों, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब किस्मत हो पुतू फिर की करेगा बोन बीटर दूध, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो चलो अरे रे रे ये पटाखे काम फूट रहे हैं दोस्तों, ये क्या हो रहा है? मेरे को लग रहा है भाई सीएनजी वाला ट्रक फट गया पीछे। ओह माय गॉड, जब ही सीएनजी वाली गाड़ी तो मैं लेता ही नहीं दोस्तों। ओ नो 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 नो, पर चलो कोई नहीं, मैं फटाफट चलता हूँ गाइस लोकेशन पे जहाँ से मुझे लेने हैं गन्स और साथ ही साथ आर्मर वगैरह, और मैं कपड़े भी थोड़े चेंज करूँगा जिससे मैं भाई ये देख रहा हूँ अभी तो मैं ये टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह लेके घूम रहा हूँ, निक्कर पहन के घूम रहा हूँ, तो इसीलिए पूरा प्रॉपर एक बार रेडी हो जाता हूँ मैं, सारा काम कर लेता हूँ दोस्तों, और फिर मैं आप लोग तेरी ये ना बचा भूतनी का, इसकी सासू की जय हो।
भाई साहब मैं सीधा जा रहा था, इसने टक्कर कैसे मार दी? इसके बाप की गाड़ी ले, गाड़ी रोक तू कबूतर से, ना तेरा मैं ना बनाया मैंने, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल तू, तेरी सासू की जब बाहर निकल, तू बनाऊ के चाचा चौधरी। इसने मेरे को देख के स्पीड बढ़ा दी, इतनी हिम्मत तेरी, खरबूजे मेरे को देख के स्पीड बनाएगा, साल देऊंगा लात, लात देऊंगा बेटा, चाचा चौधरी बन रहो बेसक जो। अरे भैंस की टैट, पुलिस वाले इसकी, ये तो गलत सीन हो गया, मैंने पुलिस थाने के आगे देख सकते हो गाइस ये क्या सीन कर दिया मैंने। ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गया, वैसे मेरे को लग रहा है यहाँ से फरार हो जाता हूँ, ठीक है, और फटाफट मैं एक बार ये सारी चीज़ें ले लेता हूँ गाइस, और फिर आप लोगों से मिलने वाला हूँ, और जब तक वहाँ पे ट्रक भी पहुँच जाएगा और वो गाड़ी भी लोड कर ही देंगे, क्यों मस्त सीन है ना, फिर निकलेंगे भाई, देखते हैं आखिरकार क्या हो पाएगा, क्या जिमी को बचा पाएंगे या नहीं, वो सब आपको अब देखने को मिलने वाला है, लेट्स गो। कोई नहीं सर जी, मुझे पसंद आएगी तो मैं जरूर लूँगा, आप ट्रक में लोड करवा के रखो, आ गया मैं बस। तो देख सकते हो दोस्तों अब ये सीन है, इन भाई साहब ने बोला मैं ट्रक अभी आया तुम्हारा, तो ये लोड करा रहे हैं, अरे के देख रहे हो, तो इन्होंने देखो गाइस ये केले वाली गाड़ी मुझे चलाने के लिए दे दी, देख रहे हो केले वाली गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और इनका कहना ये है ये कार ना काफ़ी सस्ते रेट में दे रहे हैं, और एक हिसाब से ये इलेक्ट्रिक तो नहीं पेट्रोल पर छोटे इंजन वाली गाड़ी, जैसे बाइक का इंजन ही होता है उस हिसाब से, क्योंकि आप आवाज़ सुनो एक बार, देख लो भाई आवाज़ अब तगड़ी है, पर ये कौन ही लेगा केले वाली गाड़ी जो कि इन्होंने खुद बना के रखी है भाई, खुद की, ऐसा नहीं है कहीं से इन्होंने ली है, इन्होंने खुद बनाई है गाइस ये केले वाली गाड़ी, और मैं आप लोगों को बता दूं आर्मर उर्मर सब चीज़ें मैंने ले ली है, गन्स भी मैंने ले ली है, ठीक है, आप देख सकते हो कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए, इसी के अंदर आर्मर वगैरह मैंने पहन रखा है, बाकी केले वाली गाड़ी कोई नहीं लेगा, कोई नहीं मैं इनको बोल देता हूँ, फिर भी अच्छी है इनके दिल की तसल्ली के लिए, पर क्या पता भाई कोई ले ले केला गैंग, कोई अपनी गैंग बना ले केला गैंग, और वो ऐसी केले वाली गाड़ी ले ले, कि दिवाली वाले पटाखे कहाँ फूट रहे हैं, अरे दिवाली वाले पटाखे क्यों फूट रहे हैं, लगे इनकी दिवाली के पटाखे बच गए थे दोस्तों, पर चलो कोई नहीं फाइनली मैं आ चुका सर जी, वो अपनी ट्रक वो गाड़ी लोड होगी क्या ट्रक में, वो बताओ यार, हैं बता दो यार, ऐसी कॉमेडी तो मत करो प्लीज़, जल्दी जल्दी बताओ यार, भेजा भराई ना करो, मैंने तुम्हें एक काम बोला तुम्हें, हो गया क्या बात है, क्या बात है कहाँ, चलो ना फिर दिखा दो ना मुझे, लेट्स गो गाइस, ऐसा ना मानना ये भूतनी का सूर आदमी, चलो अब देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, अब ये कह तो रहा है कि इसने लोड कर दिया, अब करी है नहीं करी है, इसकी डैडी कहाँ ले जा रहा मैं फर्स्ट फ्लोर पर, ओके ओ भाई साहब देख लो गाइस ये ट्रक तो चलो मैंने बुलाया और इसने अच्छी तरह गाड़ी लोड कर दी, इसके सगुन पे, अरे सर जी अपना गूगल पे देना, गूगल पे पर छोड़ो यार क्या ही रुपए दूँ मैं, चलो इसको गाइस फिर भी एक तो पैसे दे दूँ क्या, पर छोड़ो चलो कोई नहीं गाइस, अब मैं क्या करने वाला हूँ ड्राइवर को फ़ोन करने वाला हूँ, थैंक यू सर जी यार आपको मैं बताऊँ आपने ना बहुत तगड़ा काम करा, आई लाइक इट वेरी वेरी मच, जल्दी मैं आपसे एक गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए आऊँगा, ठीक है देख सकते हो गाइस बढ़िया बंदा है, ये भी खुश हो गया और मैं भी खुश हो गया, इसने बढ़िया काम कर दिया, अपने भाई जैसा है मतलब, सही दुकान खोल दी और बैनी से तो मेरी लड़ाई हो ही गई है गाइस आप लोगों को पता है, तो चलो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और प्लान कुछ ऐसा है ड्राइवर मुझे मिलने वाला है गाइस एक लोकेशन पे, ठीक है, और फिर हम दोनों साथ में जाने वाले हैं, कहाँ पे जिसको हम ये देने वाले हैं, जो सब वो बंदा आने वाला है गाइस, ठीक है ये कुछ सीन होने वाला है, देखते हैं अब इसकी फैटली क्या हुआ, हाँ ठीक है तो ये सीन होने वाला है, अब देखते हैं भाई पहले मैं ड्राइवर को साथ में लेके जाऊंगा भाई विदाउट एनी रिस्क वाल, क्योंकि ड्राइवर को बोल देते ना तो वहीं उसमें मेरे को रोड पे मिल, क्योंकि ड्राइवर एक गाड़ी लेके आने वाला है गाइस, क्योंकि वो जो बंदा आएगा वो तो ये ट्रक और ये गाड़ी दोनों चीज़ें ले जाएगा, मैं किसी में पीछे फॉलो करूँगा, इसीलिए ड्राइवर एक गाड़ी लेके आने वाला है, पर चलो सही है यार मैं चलता हूँ लोकेशन पे मिलता हूँ गाइस आप लोगों से, ठीक है अब देखते हैं क्या सीन होने वाला है क्या नहीं, मैं तो ये देखना चाहता हूँ जो उसने वीडियोस भेजी थी जब हमारी लाइव भी बात हुई थी अंडरवाटर माफिया से, अगर देखो उसी मास्क वाला बंदा आ गया ना दोस्तों फिर तो 101% है कि ये गाड़ी सीधा अंडरवाटर माफिया के पास ही जाने वाली है, वो तो अब देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं। तो फाइनली दोस्तों हम लोकेशन में पहुंच चुके हैं जो कि हमें अंडरवाटर माफिया ने दी थी, मेरे साथ ड्राइवर भी है और मैंने इसे बोला है तो शांति से बैठा रहेगा क्योंकि भाई सब कुछ काम होशियारी से करना है और दिमाग लगा के, और इस बंदे का आपको पता ही है ये बस गुस्से में रहता है। तो देखो अब मैं बाहर निकल गया हूँ, अब हम लोकेशन में तो आ चुके हैं पर अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं है, और साथ ही साथ देखो गाड़ी भी यहीं पर ही है, अब देखते हैं मुझे मेन देखना यार अगर वही मास्क वाला बंदा हुआ ना तो 100% वो सीधा उसी लोकेशन पर जाएगा जहाँ पर अंडरवाटर माफिया ने जिमी को छुपा रखा है दोस्तों, ठीक है, और इस गाड़ी से हम उनका पीछा करने वाले हैं गाइस, ये मेरा एक आप कह सकते हो स्ट्रेटजी है, और बिल्कुल गैप लेके करेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल चिपका के आराम से करेंगे। वेट अ सेकंड गाइस, एक बंदा आया यहाँ पे, ये बुलेट सी लेके, इसका मास्क, ओ भाई इसका तो वही मास्क है जो अंडरवाटर माफिया के वीडियो में देखा था मैंने, उसने जो भेजी थी सर जी, ये रही वो गाड़ी जो कि अंडरवाटर माफिया को ले जानी है, आप ये ट्रक ले जा सकते हो, ठीक है
अरे भाई मैंने जब ही तो ये ट्रक ऊपर लोड गाड़ी जब ही लोड करके दिए, गंदी ना हो जाए। अंडरवाटर माफिया ऐसी गंदी गाड़ी लेगा तो तुम्हारी कच्ची निकाल देगा, जो कि तुमने ये हरी हरी पहन रखी है, फिर देख लो क्या हाल होगा। तो जाओ आप, ठीक है। अरे गाड़ी का काम एक, अरे 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 सर जी गाड़ी तगड़ी है, गाड़ी का काम देख सकते हो। तो तू क्या चचा चौधरी बन रहा है, भैंस की टैट। अरे कर क्या रहा है ये आदमी। ओ भाई अंडरवाटर माफिया बैठ सके इस गाड़ी में, तू क्या चचा चौधरी बन रहा। चल बाहर निकल, चला अपना ट्रक चला तू चुपचाप। आया बड़ा चौधरी, देख सकते हो दोस्तों, तो ये ट्रक चलाएगा अपना, ये सीन है, और मैं इसे फॉलो करूँगा। एक बार देखते हैं जब ये निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अरे इसकी भैंस की टैडी ने तो गाड़ी उतार दी। ओ भाई और चचा चौधरी बाहर निकलिए एक बार, तू बनाऊंगा था ना सलमान खान है, शर्म नाम की चीज़ है। मैं फिर ट्रक क्यों लेके आया भाई साहब, ये क्या बंदा है हैं। ओ अच्छा ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, ले जा भाई जैसी तेरी इच्छा भाई, ले जा ले जा ले जा ले जा। अरे अरे ये बाइक भी तो क्यों कर रहा है, ये क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। आप देख सकते हो इसने जिस बाइक में आया था वो डिस्ट्रॉय कर दी, ताकि कोई भी नामो निशान न रह जाए। भाई मैं भी निकल लेता हूँ ताकि इसको लगे कि हम भी चले गए हैं। ठीक है सर जी हम निकल रहे हैं, लेट्स गो गाइस, चुपके से निकल लेते हैं। भाई साहब ये तो अलग ही सीन है, देख सकते हो दोस्तों मैंने गाड़ी पीछे खड़ी कर ली है, और वो लैम्बोर्गिनी लेके निकल गया। अब मैं पीछा करूँगा गाइस इस लैम्बोर्गिनी का, ठीक है। देखते क्या सीन होने वाला है, क्या नहीं, किस साइड ये लेके जाने वाला है, आराम से पीछा करूँगा, ठीक है। ओके काश कि उसी लोकेशन पे जाए। देखो मास्क तो वही है, 100% श्योर हूँ मैं दोस्तों, मास्क तो वही है। उठाओ इसके टैट इधर ले इधर, यार ये क्या कर रहा है, इतनी धीरे लेके जा रहा है ये बंदा है। इसके टैट लैम्बोर्गिनी को ऐसे धीरे धीरे कौन चलाता है भाई साहब। अरे खींच रही उसने लैम्बोर्गिनी, तो गाइस देख सकते हो अंडरवाटर वाली माफिया वाली लैम्बोर्गिनी वो जा रही है, और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और यही हमें जिमी तक लेके जा पाएगी दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, तो जिमी का पता यही लैम्बोर्गिनी बता पाएगी। पूरी गाड़ी खींच रही है, और उसने भी भगाने में पूरा मोड़ लगा रखा भाई। ओके धीरे 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 वो कट कट, अरे मैं इसकी इस गाड़ी के पीछे ले लेता हूँ। ओके तेल तो मैंने डलवाया था, अच्छा हाँ चलाई भी तो थी मैंने गाड़ी। एक काम करता हूँ गाड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ छुपा देता हूँ भाई, जब तक वो तेल डलवा रहा है गाड़ी में, ठीक है। अंडर मोटर वाला माफिया वाली कार वो रही, और वो तेल डलवा रहा है, सही है भाई डाल ले तेल डाल ले। ओके तो यार वैसे तेल, अरे हाँ लैम्बोर्गिनी भी तो है, तो दोस्तों एवरेज ओवरेज निकले ना मैं, इसकी टाटा आई बड़ी सुपर कार ही हो, ठीक है। अभी तक वो तेल ही डलवा रहा है, टंकी भी तो बड़ी है शायद। ओके निकला 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 दोस्तों निकला। ओके मैंने गाड़ी यहाँ लगा दी है, और सही है छुपा दी मैंने गाड़ी, ये निकल गया गाइस वो उस साइड। इस दोबारा पीछा करते हैं, बिल्कुल भी शक नहीं होने देना, उसे शक हुआ ना भाई, उसने वो ट्रक भी फोड़ दिया, और उसने वो बाइक भी फोड़ दी जिसमें वो आया था दोस्तों, ताकि कोई भी नामो निशान ना रह जाए। मतलब बड़े चलाक है भाई ये अंडर वाटर माफिया वाले, तो कि भैंस की टैट बड़ी तेज चला रहा है, ये वाली गाड़ी तो भाग ही नहीं पा रही भाई। भैंस की टैट गया किस साइड, ये तो अलग सीन हो जाएगा भाई, मैं तो पता ही नहीं कर पाऊंगा ये भागा किस साइड है दोस्तों, ये क्या सीन हुआ है, जो दिक्कत हो जाएगी। ये भागा किस साइड, इतनी तेज गाड़ी भगा के लेके गया यार, नहीं मैं ये मौका नहीं खोना चाहता दोस्तों, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ओह नो, मेरे ख्याल से गाइस वो इसी कट से गया है, या फिर वो कच्चे रास्ते से निकल गया है, जो भी है अब वो देखते हैं। ओके अरे पीछे है वो गाड़ी, पीछे मैं झाड़ियों में छुप जाता हूँ दोस्तों, मैंने गाड़ी यहाँ ले ली, ठीक है। वो पीछे से आ रही है गाड़ी, जो ऊपर से देख सकते हो यहाँ से निकली है गाइस गाड़ी, मतलब वो उस साइड क्या करने गया था पता नहीं। अरे भैंस की उसने रोक ली गाड़ी, गाड़ी क्यों रोक ली उसने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा गाइस। ये देख रहे हो दोबारा तेल डलवा रहा है, मैंने झाड़ी में रोक ली अपनी गाड़ी, ये करना क्या चाह रहा है, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही गाइस, ये काला जादू तो नहीं कर रहा है गाड़ी में, ये लैम्बोर्गिनी में तेल क्यों फेंक रहा है साइड में भाई, इसका कुछ समझ सा नहीं आ रहा दोस्तों, मुझे क्या प्लान है क्या नहीं। अरे इसका शक्ल लक्का बुम बुम मारू भूतनी का भाई साहब, ये देख रहे हो गाइस इसने तेल फेंका गाड़ी के आसपास, और वहाँ खड़ा हो गया। अरे भाई मूतने लग गया, वो देख रहे हो गाइस ये अंडरवाटर माफिया का मेंबर जो उनकी टीम वाला है वो खंभा में मूतरा, भूतनी को ये नहीं पता करंट लग गया ना, पूरा शरीर कोला हो जाए, ऐसा हो जाएगा सिकुड़ जाएगा बेटा, आकड़ सा जाएगा, खंभे में मूतरा, शर्म नाम की चीज़ नहीं भाई इस बंदे को। ओहो क्या ही बोलूँ ऐसे, तो चलो हम क्या बोलेंगे, अंडरवाटर माफिया जाने कैसे फुद्दू बंदे रख रखे भाई उसने, छी भाई छी, और बने तो अंडरवाटर माफिया, ये खड़ा क्यों भूतनी का, सोच रहा है क्या अभी और कर लूँ या नहीं, पता नहीं क्या ड्रामे है ये। अब ये खोदने क्या लग रहा है, कुछ छुपा रहा है क्या जमीन के अंदर, अभी उधर चले गया देख सकते हो दोस्तों। एक सेकंड अब मुझे दिख नहीं रहा भाई ये कहाँ गया कहाँ नहीं, पर मेरे को यही रहना है, एक बार ये गाड़ी के आसपास तो आएगा ना वो, ठीक है। गाड़ी जैसी निकलेगी फिर मैं एक, अरे यहीं खड़ा रहता हूँ, यहीं खड़ा रहता हूँ गाइस, बोरा बोरा एक सेकंड, ये कुछ लेके आ रहा है गाइस, देख रहे हो ये कुछ सामान लेके आ रहा है, अंडरवाटर माफिया अपने पैसे छुपाती है क्या यहाँ,
ये पैसे लेके आ रहा है मेरे ख्याल से भाई, वो फिर गाड़ी में बैठ गया। ये तो सीक्रेट जगह पता चल गई, यहाँ से पैसा उठा लूंगा भाई और यहीं से पैसा अंडर वाटर माफिया को दे दूंगा। ओके इन्होंने गाड़ी मोड़ ली, मतलब वो ये चीज लेने आया था भाई यहाँ पे। चलो दोस्तों निकलते हैं। देख रहे हो भाई बड़े चला गए अंडर वाटर माफिया वाले। मेरे को तो मन कर रहा ना अंडर वाटर माफिया जो कच्चा होते थे इसकी टैट, अंडर वाटर माफिया जो कच्चा पहन के घूमती है ना उसका, वो कच्चा ही उतार दो दोस्तों। मन तो मेरा ये करता और फिर इसके टैट पे टैट दूँ। भूतनी का क्या कर रहा है यार, फिर उतर गया। इसकी सहज की इसकी सीधी गाड़ी नहीं चलाई जाती क्या, इसलिए देख सकते हो भाई वो दोबारा उतर गया। अरे भाई वहाँ कौन मूतता है, अब यहाँ बोर्ड पर मूत रहा भाई। अंडर वाटर माफिया ने ना अपने क्या बोलूँ टंकी खाली करने वाली भाई टीम बना रखी है, जिनका हमेशा प्रेशर रहता है भाई। ये कैसी टीम रख रखी है, कहीं अंडर वाटर माफिया अपनी टीम को ले गया अटैक करने के लिए। ये तो भाई अपना प्रेशर ही हल्का करने में लगे रहेंगे भाई साहब। क्या फुदू बंदे हैं भाई इनकी तो, इसकी भी है इसकी टैट अंडर वाटर माफिया की भी। ये मेरे को गुस्सा दिला रहा है, ये बंदा सीधा लेके नहीं जा रहा भाई। मुझे टेंशन हो रही है जिमी की, मेरे दिख रहा है किस हालात में होगा, मेरी छाती में दर्द हो रहा है इतने दिन से। जिमी की सलाह में होगा किस में नहीं, कल भी मुझे सपना आया जिमी का, कह रहा पापा आप मुझे बचाने नहीं आए। दोस्तों देख रहे हो भाई साहब गड्डी फैलम फैल लेगी अब वो, मेरे ख्याल से वो सीधा लोकेशन पे जाएगा। दोस्तों देखते हैं बाकी क्या सीन है क्या नहीं, वो जा कहाँ रहा है। पर ये शहर वाला एरिया है यार, भाई बड़ी तेज गाड़ी चला रहा है वो, तो मैं उसे पकड़ भी नहीं पाऊंगा दोस्तों। ओ माय गॉड मार छोड़िया पापड़ वाले ने, वो कितने गया, ओ भाई कहाँ निकल गया भाई वो। अरे ड्राइवर थोड़ी तेज गाड़ी ले आता भाई, ये क्या ले आया, बाकी लैम्बोर्गिनी को तो क्या ही पकड़ेगी ये खच्चर गाड़ी। पर खच्चर भी नहीं कह सकते भाई, बीएमडब्ल्यू गाड़ी है फिर भी। और वो गया कहाँ भाई, ओके सीधा रोड तो यही है, गया तो वो यहीं से होगा भाई। ठीक है ओके, उसने गाड़ी रोक लिया गाइस मेरे ख्याल से। ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये मैंने गेट डाउन मारा बहुत तरीके की सासू की जय हो। लेट्स गो गाइस, आप देख सकते हो वो ऊपर की साइड गया है। ओके बिल्कुल मैं पूरा इसके पीछे पीछे रहना हूँ, इसको सख्त तो होने नहीं देना, मैं झाड़ियों में छुपा लूँगा भाई तुरंत, अगर कुछ भी ऐसा पंगा हुआ। यहीं से मुड़ा है वो, अरे हटा हटा पास है तो भूतनी वालो तुम्हारी भैंस की टैट, मेरे को पीछा करना है। मर मर के गाड़ी चला रहे हो भाई, क्या बंदे है ये भाई, कहाँ गया, एस्केप नहीं होना चाहिए भाई। बुरा 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 बुरा, ओके मैं झाड़ियों की साइड ले ली गाइस ताकि मैं दिखूँ नहीं उसे। ओके सीधा चले गया वो भाई, ये सिटी में क्यों ले आया मुझे, मतलब जिमी को उन्होंने यहीं लॉस सैंटोस में रखा हुआ है भाई साहब। लग तो मुझे ऐसा ही रहा है, या फिर ये दूसरे एरिया में गाड़ी को लेके जा रहा है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है गाइस। अब क्या है क्या नहीं, हकीकत क्या, वो तो अब जाके पता चलेगी। ठीक है एक सेकंड, ये यहाँ उतर गया और गाड़ी मैंने यहाँ लगा दिया गाइस पार्किंग में। इसको ऑब्जर्व करते हैं ये कहाँ जा रहा है भाई, ये पिज्जा लेने जा रहा है। क्या बंदा है, अंडर वाटर माफिया ने पिज्जा भी मंगवाया है क्या गाड़ी आने की खुशी में, लग तो मुझे ऐसा रहा है दोस्तों। वो देखो हरा टट्टू अलग ही चमक रहा है भाई कसम से। ठीक है और गाड़ी के काले शीशे हैं तो कोई ऐसा शक भी नहीं होगा गाइस। ठीक है निकल गया वो, और वैसे ही कम दिमाग वाले ही लग रहे हैं मुझे अंडर वाटर माफिया के, ऐसा तो लग रहा है कि यूँ ही उठा के रख लिया भाई नौकरी में। ठीक है, अरे भाई ये रोक क्यों रहा है बार बार, इसकी क्या है इसकी टैट, इसका बाप डलवाएगा क्या इसका नया ब्रेक ऑयल और ब्रेक शूज भी, क्या बंदा है भाई ये। चलो कोई नहीं ठीक है, मैं दूर ज़्यादा गैप रखूँगा भाई इस बार, ये बहुत तेज तगड़े ब्रेक मार रहे हैं एक ही दम से गाइस। ठीक है भाई, इसने पिज्जा भी ले लिया, ये दो बार टंकी खाली कर ली, पैसा भी उठाया बीच में से, मतलब तो अरे फिर स्पीड पकड़ ली इसने, मेरे को रॉन्ग वे जाना पड़ेगा, ट्रैफिक बहुत है दोस्तों, स्पीड उसने इतनी तेज पकड़ी है क्या ही बोलूँ। ये तो मेरे घर के करीब आ गया, मेरे घर के इतना करीब रखा है जिमी को, 100% नहीं है कि जिमी को नहीं रखा है मेरे ख्याल से, बस ये गाड़ी छोड़ने के लिए जा रहा हो अब। ठीक है गाइस ओके यहाँ से आ गया, अरे क्या कबूतर आदमी है भाई ये, वैसे बड़ी गंदी, अरे शर्म नाम की चीज़ ना इस बंदे को, तो ये कहाँ आ गया, ये मेरा घर है गाइस, यहीं से तो मैं निकला था और ये मेरे घर पे क्यों लेके आया है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये क्या सीन है। ये देख सकते हो गाइस मेरा घर ये रहा और ये मेरे घर के आगे से गाड़ी लेके जा रहा है, ये क्या सीन है। फिर मुझे वो वाली लोकेशन क्यों बोली गई, ताकि ऐसा लगे कि उसको कहीं और छुपा रखा है जिमी को, मेरे ख्याल से तो यही हो सकता है दोस्तों। अब क्या है क्या नहीं प्लान उसके बारे में तो क्या ही बोलूँ, पर जिमी को बचाना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो 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 फरार हो जाते हैं, जिमी को हम बचा के रहेंगे दोस्तों, लेट्स गो। ओके बिल्कुल पीछे हूँ मैं और ये वाली गाड़ी ओवरहीट हो चुकी है, क्योंकि भाई लैम्बोर्गिनी का पीछा कर रहा हूँ मैं इससे, लैम्बोर्गिनी बहुत तेज भग रही है और ये बीएमडब्ल्यू नहीं भग रही। और मैं ना ड्राइवर को पहले बोल दूँगा तो निकल जा, अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुझे बता दूंगा। ओके कहाँ गया वो, अरे भैंस की टैट गायब हो गया क्या आईला, नहीं तो था वो, यहाँ से कहाँ जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो वो यहीं था, देखो समझ से नहीं आ रहा। अरे भाई वो सामने से क्या कर रहा है, यहीं छुपा लेता हूँ अपनी गाड़ी। ठीक है ओके मैंने अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी, उसे लगे पार्किंग में। अरे भाई साहब ये क्या बंदा है भाई, देख सकते हो दोस्तों ये अपनी गाड़ी समझ के चला भाई, अंडर वाटर मार्क्स को पता चला ना उसकी लैम्बोर्गिनी ऐसी चल रही है, वो तो शुगर करो मैंने गाड़ी भाई। ओके ठीक है गाइस ये गाड़ी यहाँ अंदर ले गया है, और मेरे ख्याल से कुछ तो सीन है यहाँ,
मैं गाड़ी अंदर तो नहीं लेके जाता, मैं यहाँ से पैदल जाता हूँ, देखता हूँ। ट्रेवर तू यहीं रही हो, मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं तेरे से हेल्प मांगूंगा, ठीक है? लेट्स गो गाइस, देखता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। वो पिंक वाली गाड़ी को यहाँ ले गया है, ओके। और यहाँ कुछ तो सीन है, और वो उतर भी गया गाइस, आप देख सकते हो सामने की साइड देख रहे हो गाइस, वो अंडर वाटर माफिया की गाड़ी को यहाँ लेके आ गया है। अब यहीं रखा है क्या जिमी को, पता नहीं गाइस, वो खड़ा है वहाँ पे। लेट्स सी क्या सीन है क्या नहीं दोस्तों। ओके, ये यहीं खड़ा ही है, यहाँ आया क्या है करने? ओके, अंदर जा रहा है, यहाँ क्या है ऐसा अंदर? मेरे ख्याल से गाइस यहाँ कुछ तो है, क्या पता जिमी भी यहीं हो, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ले ली है गाड़ी में से निकाल के ये गन, ठीक है। और ये गन क्यों ली है, क्योंकि मुझे नहीं पता अंदर एक बंदा होगा, दो बंदा होगा, 100 होंगे या 200 होंगे, पता नहीं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये अलग सा एरिया भाई, इस चीज़ के बारे में तो मुझे पता नहीं था। और ये भी श्योर नहीं है कि जिमी यहाँ होगा भी या नहीं, अंदर अंडर वाटर माफिया भी हो सकता है, और मैं ये रिस्क ले रहा हूँ दोस्तों जिमी के लिए। अब ड्राइवर को मैंने भेज दिया ये कह के कि तुझे मुझे हेल्प चाहिए होगी, मैं तुझे बुला लूँगा। अब लेट्स गो गाइस, और ये वाली गन इसीलिए ली है कि अंदर मैं सबकी ऐसी तैसी कर पाऊँ। चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं दोस्तों, कुछ भी हो सकता है अंदर, कुछ भी। मैं रेडी हूँ, देखा जाएगा शो होगा दोस्तों। ये एरिया तो मैंने आज तक नहीं देखा था दोस्तों, ठीक है। तीन की गिनती के साथ तबाही कर दूंगा मैं चालू, ठीक है गाइस। ओके, गन तो मैंने चालू कर दिया है, अब देख तो लेट्स गो गाइस, आप देख सकते हो क्या सीन है क्या नहीं। ओ भाई साहब, देख सकते हो गोली मैंने चला दी है, और बेटे ये देख सकते हो भाई क्या सीन हो चुका है। ओके ठीक है, एक सेकेंड, ये नाटक कर रहा है, क्या सीन हुआ इसके साथ? ओ माय गॉड, अरे गोली चल रही है कहीं से। अरे 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 दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ एक बंदा नहीं है, कोने में गैंग छुपी पड़ी है भाई। तुम्हारी भैंस की सबको साथ में निपटाऊंगा। ये लो बेटा, ये लो, मेरे से पंगे लोगे तुम, देख सकते हो गाइस। मैं सोचा ठीक है मिनी गन से निपट गए होंगे बंदे, पर नहीं, यहाँ तो और भी बंदे हैं भाई। एक सेकंड, कहाँ से चल रही है, बंदा है कहाँ? ये देख लो दोस्तों क्या सीन है, नेक्स्ट लेवल सीन है भाई। यहाँ पता नहीं कितने बंदे नाटक कर रहे हैं। अरे तेरी भैंस की टैट, शुक्र करो मिनी गन लाया था मैं, नहीं तो भाई आज तो हो गया था मेरा दी एंड। ये देख रहे हो गाइस, अरे भाई साहब देख रहे हो गाइस, कैसे हो कि कैसे हो? देखो मैंने लाशों की लाइन लगा दी है गाइस, मैंने सारे अंडर वाटर। अरे अभी भी कोई गाड़ी गोली चला रहा है, मेरे ख्याल से कोई तो है गाइस इसमें जिंदा, कोई भी जिंदा हो सकता है। मेरी टैट, ये लो, ये देख सकते हो दोस्तों, ये देखो एक ही कोने में सारे दबा दिए हैं मैंने। हमसे पंगा लेंगे भूतनी के, ये चूर कहीं से। ये लो, अब मेरे को नहीं लगता कोई इनमें से जिंदा होगा या नहीं, लेकिन अगर होगा भी तो एक काम कर देता हूँ गाइस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता। लेट्स गो, ये चीज़ करनी भी ज़रूरी है, ठीक है, एक सेकेंड, लेट्स गो। अरे इधर पानी है क्या है, ये काम क्यों ना हुआ? ये देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, ये इधर मैंने बिछा दिया, ये इस साइड, अब तो जलना चाहिए, ये क्या सीन है? ओ लग गई दोस्तों, लग गई, देख सकते हो गाइस मैंने अंडर वाटर माफिया के बंदों पे आग भी लगा दी है। अब कोई इनमें से नाटक भी कर रहा होगा ना जिंदा होने की, कोई तो कर रहा है, गोली चली कहीं से, देख रहे हो दोस्तों, कोई तो नाटक कर रहा था जिंदा होने की, पर वो भी गया। अब मुझे देखना है जिमी क्या है, वो जिमी, जिमी वो रहा दोस्तों, ये क्या हो रहा है इसके साथ, देख सकते हो दोस्तों ये रहा जिमी। भाई साहब इसके कमर में भी लगा है, गुद्दी भी दिया है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सीन हो रहा है क्या नहीं। इसको मीठा ज़्यादा खिला दिया क्या, इसके पिछवाड़े में खुजली हुई है जिमी। भाई जिस हिसाब का इसका हालात है ना गाइस, मेरे को लग रहा है इसको इंजेक्शन दे दे के इतने नशे करवा दिए ना कि इसको समझ नहीं आ रहा है क्या इसके साथ हो रहा है क्या नहीं। मेरे को लग रहा है गाइस जिमी को उठा के यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि जितने भी बंदे थे ना गाइस, एक मिनट पहले मैं एक चीज़ कर देता हूँ गाइस, एक सेकेंड, ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, ये जिमी को किसी गाड़ी में बिठा दूँ पहले मैं, फिर करूँ मैं ये चीज़, मेरे ख्याल से जब ही करनी चाहिए क्योंकि निकलना भी थी मुझे। तो लेट्स गो गाइस, सबसे पहले मैं जिमी को उठाता हूँ, ठीक है, वहाँ के बंदे तो मैंने सारे जला दिए, जिमी को उठाता हूँ और उसे करता हूँ मैं गार्ड। भैंस की टट, आवाज़ आ रही कहीं से,
ठीक है, उसे करता हूँ गाइस, मैं गाड़ी में आराम से तसल्ली से बिठाता हूँ और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा, और इन बंदों को भी जलाना है, क्या पता कौन सा इसमें मतलब भाई जिंदा हो और वो रिपोर्ट करते भाई अंडर वाटर माफिया को। इसलिए दोस्तों तो फिर भी मैं एक बार गन चला ही देता हूँ सबसे, ये लोग ठीक है आ जाओ ना हमसे पंगे लेंगे भाई। एक नहीं कितने बंदे थे दोस्तों, आपने देखा भाई, और एकदम से इतनी गोली चली था, मेरे को तो लग रहा है इन्होंने खुद को भी एक आधी गोली चलाई दी थी भाई। ये लो भाई यहाँ आग लग चुकी है भाई, देख सकते हो दोस्तों इन पे भी आग लग गई, पर यहाँ कैसे, यहाँ तो मैंने तेल ही ना फेंका। अच्छा गन का बारूद, गोली से जो बारूद निकला है, ओके ठीक है, जिमी को उठा दो दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों देख सकते हो जिमी को तो मैंने उठा लिया है, और इन बंदों को भी मैं जलाऊंगा, ठीक है इन बंदों को भी मैं जलाऊंगा। अरे भैंस की टट, कोई तो जिंदा है, देख सकते हो गाइस जिमी को फाइनली मैंने रेस्क्यू कर लिया है, यहाँ से गोद में उठा लिया है। जिमी तेरा पप्पा तेरे को बचा के रहेगा, लेट्स गो गाइस, यही टाइम है, यहाँ से निकलते हैं भाई। कुछ नहीं पता अंडर वाटर माफिया यहाँ है नहीं, कब यहाँ पे आ जाए, क्या सीन हो क्या नहीं, इस बंदे की लात हिल रही है, मतलब ये पूरा मरा नहीं है दोस्तों। आऊँगा मैं इन सबको जलाऊंगा, ऐसे नहीं जाने वाला गाइस, इस एरिया को तबाह करना ही पड़ेगा मुझे। देख रहे हो कहाँ छुपा रखा है, क्या सीन है क्या नहीं भाई, अलग ही सीन है। देख रहे, अरे इसमें नहीं बैठना, इसमें नहीं बैठना, उतर भाई उतर जिमी, नहीं 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 नहीं, तू मेरी गोद में आ बेटे, तू मेरी गोद में आ बेटे, ऐसे नहीं तू चल मत, मेरे को लग रहा भाई ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है गाइस, ठीक है इसको गोद में ही लेके जाता हूँ फटाफट, ठीक है। और यहाँ पे कोई गाड़ी होगी उसमें बिठाऊंगा, क्योंकि मैं अंडर वाटर माफिया की लैम्बोर्गिनी नहीं लेके जाऊँगा भाई, उसकी गाड़ी मैंने उसके लिए रेडी करवाई थी और उसको दे दूंगा गाइस, क्योंकि क्या पता लैम्बोर्गिनी देख के वो ही सोचे चलो गाड़ी तो उल्टी दी है जिमी को ले गया मैं, पैसों की डील मैं उससे खुद कर लूँगा। ये ले जिमी इसमें बैठ बेटे, जा आराम से तसल्ली बैठ, मैं एक मिनट में आया अपना काम करके, लेट्स गो गाइस, ठीक है क्योंकि मैं वो एरिया पूरा तबाह करूंगा, उसमें आग लगाऊंगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंदर इतनी गोलियां चली ना, मतलब आप देखो ना इतने बंदे थे और उनको नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो रेडी तक नहीं थे, एक कोने में बंदे पड़े हुए थे। देख रहे हो गाइस क्या सीन हुआ भाई, अलग ही माहौल हो गया था गाइस, ठीक है ये कई बंदे गोली खाने के बाद बाहर भी आए हैं। एक सेकेंड दोस्तों, ये देख रहे हो इन पे भी ये काम कर दूँ मैं, लेट्स गो, क्योंकि मैं छोटी सी बिल्कुल इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। लेट्स गो, आग लग गई, इनका भी हो जाएगा काम, और मैं अंदर वालों को करता हूँ गाइस, ठीक है पूरे अंदर आग ही आग लगा देता हूँ, क्योंकि देखो कोने वाले बंदे तो टोटली जल चुके हैं दोस्तों, ठीक है अब ये सीन है। लेट्स गो, यहाँ से लगाते हैं, ये ले बेटा तू भी जल बेटे, देख सकते हो गाइस ये हरे कपड़े पहना रखे हैं, और जब अंडर वाटर माफिया से मेरी लाइव कॉल में बात हुई थी ना वीडियो कॉल में दोस्तों, तो जब ये एरिया में नहीं था वो, मतलब जिमी को यहाँ रिसेंटली शिफ्ट करा गया है, ऐसा भी हो सकता है, अब पता नहीं सच क्या है क्या नहीं, वो तो भाई वो ही जाने, पर एक चीज़ मैं कह सकता हूँ भाई अंडर वाटर माफिया बहुत खेल खेल रहा था हमारे साथ, और यहाँ हड्डियाँ भी पड़ी है दोस्तों देख रहे हो, पर अंडर वाटर माफिया का सारा खेल का दी एंड तो हमने कर ही दिया दोस्तों, ठीक है लेट्स गो, अब इसको लेके चलता हूँ ऊपर तक, और ऊपर से मैं पूरी आग लगा दूँगा दोस्तों। चलो ओके, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, और इस बंदे पे भी, लेट्स गो, हो गया काम गाइस सारा का सारा, और अब मेरे ख्याल से आग लगा देनी चाहिए, लेट्स गो। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे अंडर वाटर के माफिया ने हमारा जिमी को किडनैप करके रखा था, और मैंने इन्हीं के एरिया में आग लगा दी, और ये आग आगे बढ़ते बढ़ते पूरे अंदर हो जाएगी तबाह, देख सकते हो गाइस कैसे आग फैल रही है, आगे तक पहुँच गया, अब उन बंदों पर भी आग लगेगी गाइस, ठीक है ओके लगी ना, बस यही तो मैं चाहता था गाइस, कोने वालों को मैंने जला दिया, सारे बंदे जला दिए मैंने अंडर वाटर माफिया वाले, अब है यहाँ से फरार होने का टाइम, लेट्स गो दोस्तों चलो निकलते हैं, ठीक है हो गया, बाहर वाले बंदे भी चल गए, और ये गाड़ी मैंने उसके लिए रेडी करी थी। अरे तुम क्या कर रही हो, भागो यहाँ से भागो, खड़ी हो तुम यहाँ, लेट्स गो चलो भाई साहब, ये देख लो गाइस यहाँ पे कौन ऐसी बेस बनाता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, पर चलो। तो फाइनली दोस्तों जिमी को मैंने इस गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि वो वाली गाड़ी तो भाई अलग सी थी, उसमें उसका भाई लॉकिंग सिस्टम बड़ा बेकार, फिर मैंने इसमें बिठा दिया जिमी, लेट्स गो लेके चलता हूँ भाई जिमी को। अरे हमला, गाड़ी में हमला, अंडर वाटर माफिया की गाड़ी कोई चला रहा है, कौन चला रहा है, हम पे हमला किसने करा, लेट्स गो। अरे ये तो अंडर वाटर माफिया है, नहीं गाइस आप देख सकते हो अंडर वाटर माफिया ने हम पे अटैक कर दिया, भूत नहीं करे यार, नहीं अंडर वाटर माफिया इतनी आसानी से तो नहीं, ऐसे थोड़ी, लेट्स गो गाइस फरार होना पड़ेगा, आप देख सकते हो अंडर वाटर माफिया हमारे पीछे आ रहा है, ये भूल गया इसके पास लैम्बोर्गिनी है, और यार हमारे पास तो और खच्चर कार है, कम से कम ये चढ़ा तो ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत होगी इसे, पर फिर भी हम फरार हो गए, देख सकते हो गाइस हम यहाँ से निकल चुके हैं, हमारे पीछे अंडर वाटर माफिया है, ओ भाई साहब ये देख लो गाइस अंडर वाटर माफिया हमारा पीछे पड़ चुका है, भाई साहब जिमी को कैसे बड़ी मुश्किल से छुड़ाया मैंने, ओ नो, तो जिमी को मैंने एस्केप करा दिया, पीछे अंडर वाटर माफिया आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो
बेटे इतनी आसानी से तो नहीं पकड़ पाएगा। बेटा मेरा नाम भी माइकल डिसेंटा, माइकल दी डिसेंटा बोल ले रहा होगा बेशक तू लैम्बोर्गिनी। ठीक है ये देखो भाई, मेरे को ना थोड़ा सा जाम वाले एरिया में ले जाना है और थोड़ा सा ऐसे कट मारने कि भाई इसका दिमाग थोड़ा सा घूम जाए, उसको समझ नहीं आए क्या करना है। ओ नो मेरी गाड़ी की स्लिप हो गई। ओ भाई साहब देख सकते हो गाइस पीछे अंडरवाटर माफिया आ रहा है गाड़ी लेके। यार यही गाड़ी मैंने गिफ्ट करी, इसी गाड़ी में आ गया मेरे पास अटैक करने के लिए। भाई मैं पैसे दे तो दूंगा जिमी को तो लेके जाऊंगा ना भाई। ये देख रहे हो दोस्तों कैसे मेरे पीछे आ रहा है अंडरवाटर माफिया। ये ले बेटे ये ले, मैंने सही टाइम पे ब्रेक लगाए भाई। बम बम फोड़ रहा है। नहीं भाई नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं होने दूंगा मैं काम। मेरे को लग रहा है भाई यहाँ से एस्केप होना पड़ेगा। मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ छुप जाता हूँ, यहाँ से नीचे कूद गया। इसे क्या पता मैंने यहाँ से जंप लगा लिया है। अरे इसे पता है मैंने जंप लगा लिया दोस्तों। ये लो, अरे ओ नो मेरी गाड़ी पलट गई, मेरी गाड़ी पलट गई। लेट्स गो, निकलो अंदर की साइड निकलते हैं दोस्तों। ओ भाई अरे भाई दोस्तों कहाँ फंस गया हूँ मैं। ओ माय गॉड मुझे नहीं पता यहाँ हूँ मैं, पर मैं अंदर टनल से जाऊँ। अरे भाई मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ। इसको लग रहा है मैं आगे की साइड निकल चुका हूँ दोस्तों। ठीक है इसे बम फोड़ दें तो इसे नहीं पता मेरी गाड़ी यहाँ है। आराम से थोड़ी देर रुक जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। लगता है ये आगे की साइड निकल गया है। चलो मैं भी निकालता हूँ अपनी गाड़ी। ओके माय गॉड बड़ी मुश्किल से ये सीन हुआ है। और इसने टनल में घुसते हुए तो मेरे को देखा था इतनी ऐसा। अरे भाई यही खड़ा है भूतनी का, बड़ा तेज आदमी है भाई। ये देख सकते हो गाइस ये अंडरवाटर माफिया, यार ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। पर मैं माइकल डिसेंटा हूँ मेरे भाई। अरे भैंस की ने लैम्बोर्गिनी खुदा दी भाई साहब। ये ले आजा आजा लड़ लेना मेरे से। ये देखो गाइस चढ़ा दिए मैंने। ओ तो गाइस ये अंडरवाटर माफिया मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाला। आप देख सकते हो मैं इसको गोली से चला रहा हूँ भाई, पर नहीं यार ये ऐसे एस्केप नहीं करने देगा। ओ भाई साहब देख सकते हो भाई 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 लेट्स गो। वो आगे निकल गया यहीं से पीछे निकल लेता हूँ गाइस आप। अरे लेट्स गो नहीं अंडरवाटर माफिया इतनी आसानी से नहीं, मैं तेरे को अपने लड़के को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा बेटे। नो देख सकते हो दोस्तों क्या सीन हो गया क्या नहीं। ये तो अपने साथ घसीटता ले जा रहा है मुझे, हमें रोंग वे जाना पड़ेगा। देख सकते हो गाइस रोंग वे जा रहे हैं हम। ओह माय गॉड लेट्स गो, यही मौका है यहाँ से एस्केप होने का गाइस। ठीक है मैं ऊपर की साइड चढ़ चुका हूँ, इसे लग रहा है कि मैं उस साइड हूँ। ठीक है वो क्योंकि वो किसी और गाड़ी के साथ ठुक गया गाइस। निकल लेता हूँ यहाँ से निकल लूँगा। चलो अरे चलना भूतने की। अरे भाई देख सकते हो दोस्तों ओ माय गॉड। चलो 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 यहाँ से ऊपर चढ़ा देता हूँ अंडर वाटर मारते हो कुछ पता नहीं चलेगा। मैं ऊपर चढ़ चुका। अरे ये तो मेरे पीछे ही है भूतने का। अब मेरे को इसके लिए ना जाले बिछाने पड़ेंगे दोस्तों। यार पर बॉम्ब से ऐसे कुछ नहीं हुआ, वो भाई लैम्बोर्गिनी ले रखी है उसने और मैंने उसमें इतना एडवांस लेवल का काम करा रखा ना दोस्तों जिसकी कोई हद नहीं। वेट कर गाइस तेरी जो हैंस के टैट जाऊंगा तो पकड़ के दिखा देता हूं। लेट्स गो येलो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगेंगे इसके। अरे लग गए अंडरवाटर माफिया, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मैं अपने बच्चे पे तेरे हाथ भी नहीं लगने दूंगा मेरे बेटे। लेट्स गो गाइस आप देख सकते हो कैसे मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, पता नहीं किसकी गाड़ी है किसकी नहीं। मैं तो उठा के भग लिया वहाँ से और आप देख रहे हो कैसे पानी उछल के आ गया भाई हमारी आंखों के आगे। ओके ये ले बेटा ये ले लेट्स गो, यही मौका है गाइस यहाँ से फरार होने का। अंडर वाटर मारते हुए फोटो काट रखा मैंने। ये लो ओ नहीं 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 ओके लेट्स गो अभी ये गाड़ी बंद नहीं हुई है, ये गाड़ी बंद ना हो जाए इससे पहले मैं कोई से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। अरे ये चूचा पीछे ही आ गया भाई। जिमी मैं तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा मेरे दीदरे। लेट्स गो देख सकते हो दोस्तों जिमी तेरे को तो पता नहीं भाई कैसे इंजेक्शन दे रखे, इसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है इसके साथ क्या नहीं, सिर्फ होश की हालात में। जा बेटा जा आगे जाना भूतनी के। लेट्स गो ये देख लो गाइस यही तो मैं चाहता था। ये हो गया ये काम। अंडरवाटर माफिया पीछे तक देख सकते हो गाइस खुद बना दिया मैंने अंडरवाटर माफिया को। और अब मैं यहाँ से ऊपर की साइड निकल लेता हूँ। ठीक है यहाँ से एस्केप वाला एरिया है ये रहा। फाइनली गाइस अंडरवाटर माफिया लैम्बोर्गिनी बेशक लेके आ रहा हो और उसके पास इतना दिमाग नहीं है और ना उसे पता है कि मैं कहाँ से निकला हूँ कहाँ से नहीं। अब वो मुझे ढूंढता रहेगा पर मैं गाइस एस्केप कर लूँगा, इतना तो मुझे अपने आप पे विश्वास है। ठीक है दोस्तों देखो यहीं पे मैंने अंडरवाटर माफिया को खुद बनाया, इसने देखा होगा कि मैं नीचे की साइड निकल लिया पर मैं ऊपर की साइड निकल लिया दोस्तों। चलो अरे अरे नहीं उसकी गाड़ी मुझे पीछे दिख रही है दोस्तों। यार है तो है दिमाग इसमें भूतनी वाले पे, मैं तो यही मान रहा था इसे।
इसका फुद्दू काटना पड़ेगा दोबारा से। ये ले, अरे रे ये ले, लेट्स गो। मैंने कही दिया ना गाइस फुद्दू काटना पड़ेगा। अरे इतनी जल्दी फुद्दू कटवाने वालों में से भी तो नहीं है भाई। यहाँ से घुसा जाता हूँ, अब इसे नहीं पता मैं कहाँ निकल लिया गाइस। काट दी, अटक गई। चलो 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 चलो, देख सकते हो गाइस दोबारा फुद्दू बना के निकला तो हूँ मैं अंडरवाटर माफिया से। लेट्स गो। अरे ये एकदम से यहाँ कैसे आ गया भाई? अरे भाई अब तो भाई देख सकते हो भाई मैं भी पूरी बॉडी चला रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास कोई और ऑप्शन फिलहाल बचा है या नहीं। कहाँ जाऊँ भाई? नहीं यार ये देख रहे हो गाइस अंडरवाटर। अरे ये ले बेटे। अरे नहीं यार ये देख सकते हो दोस्तों ये पीछे लगा है भाई, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला मुझे। ये ले, ओ नो, लेट्स गो। ओके हाँ पकड़ लेना भूतनी के। तो बुद्धू बना दिया गाइस मैंने अंडरवाटर माफिया को दोबारा से, और मैं निकल गया हूँ आगे की साइड। नहीं यार ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी अटक गई दोस्तों। अरे देवा रे देवा, अरे ये टूट भी नहीं रही, ये जाली कैसी जाली है? इससे पहले वो आए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि उसने ऑलरेडी दो तीन बार मैंने इसको एस्केप तो करा, पर ये मेरे को पकड़ ले रहा हर बार, और मैं नहीं चाहता ये इस बार भी मुझे पकड़ ले गाइस। ठीक है वैसे तो मैं शांति से हूँ इस जगह में, और मेरे को नहीं लगता वो इस जगह में आ भी पाएगा, क्योंकि मैं अब अंदर अंदर एरिया के निकल रहा हूँ। ठीक है रोड पे मैं जा ही नहीं रहा। मेन बात मुझे अपने घर पे सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि जाऊँगा तो मैं जिमी को घर पे लेके या कहीं और ले जाऊँ, पर कहाँ लेके जाऊँ? नहीं यार घर पे लेके जाना पड़ेगा, पर इस हालात में मैं जिमी को घर पे नहीं ले जा सकता। आप देख रहे हो गाइस हालात देखो जिमी के, पूरा ऐसा हो रहा है इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ लेके जाऊँ इसे गाइस। एक अलग सी जगह में लेके जाना पड़ेगा, लेस्टर के पास खड़ा कर दूँ इसे कहीं? यार लेस्टर के पास भी कहाँ ही छोड़ूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस क्या करा जाए जिमी के साथ क्या नहीं। ओके तो काम करते हैं इसे कहीं ऐसी जगह रखते हैं जो पूरी सेफ हो दोस्तों, तो चलो चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों जिमी को मैंने गाड़ी से निकाल लिया, और मैंने सोचा घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ मैं जिमी के साथ रह पाऊँगा ढंग से। और देख सकते हो मुझे भी चोटें लगी है, जिमी को भी चोटें लगी है। जिमी को मैंने गोद में उठा लिया गाड़ी से निकाल के, अब मैं इसे इसके कमरे में लेके जा रहा हूँ। इसके जो खून वगैरह लगे हैं वो सब भी ठीक करना है मुझे। जिमी दिख रहा? ठीक है। अरे बेटे तू खड़े मत हो, नहीं ऐसे ठीक नहीं रहेगा। इसको मैं सोच रहा हूँ गाइस इसको ऊपर ले जाऊँ, ऊपर ले जाना सही रहेगा। चलो ऊपर ही ले जाता हूँ दोस्तों। ठीक है इसके कमरे में ही ले जाऊँ, नहीं तो इसकी पहले पट्टी पुट्टी लगा के इसके जो चोट लगी है वो ठीक करवा देता। देखते गाइस ऐसे अपने कमरे में ले जाऊँ, क्योंकि अमांडा भी अपनी गैंग वालों के साथ है गाइस, और इसे लगेगा टाइम। पर यार यहाँ का बेड तो मैंने हटा रखा है, क्योंकि ये बेड भाई नया लगना है, क्योंकि ये मैंने तोड़ दिया था दोस्तों। ठीक है जिमी भाग मत, तू पहले ही बीमार है मेरे बेटे, तू मेरी गोद में आ जा, सुन मेरी बात, तू मेरी गोद में आ जा। नहीं बेटे मैं नहीं चाहता तू ऐसे पड़े रहे, तू मेरी गोद में आ जा दिख रहे, या चल तू यहीं लेट ही जा। तो देख सकते हो दोस्तों जिमी को मैं फाइनली लेके आ गया हूँ, फाइनली हमने जिमी का रेस्क्यू कर लिया है। अब मेरे को पता आगे लड़ाई होने वाली है, देख रहे हो गाइस फाइनली जिमी अपने कमरे में लेट गया है, और आगे बहुत सी चीज़ें होने वाली है दोस्तों, जैसे कि अंडरवाटर माफिया हमें यूँ नहीं छोड़ने वाला। 10 बिलियन वो हमसे मांग रहा था, उसको देने ही पड़ेंगे, पर मैं चाहता था सबसे पहले जिमी आ जाए, 100% वो आएगा, पर वो यहाँ पे ना आए इसीलिए मेरे को इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो आराम से बैठा रहे जिमी, कुछ पूछताछ मत कर, तेरे को लेट ना है। और मैं एक काम करता हूँ डॉक्टर को बुला लेता हूँ, क्योंकि इसकी जितनी चोटें लगी है वो सब हमें घाव घूर साफ सूफ भी करवाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है तो होप करता हूँ गाइस आपको हमारी आज की वीडियो में मज़ा आएगा, मज़ा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जिमी सवाल जवाब मत कर, तेरी माता से किसी काम से गई है। ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, चंगा फिर अगली गेड़े मेरे प्यारे मित्रों।